फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ सिंधी स्टाइल दाल पालक, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और यह सभी की फेवरेट है। और लॉकडाउन में आप इसे बहुत ही कम समय में प्रिपेयर कर सकते हैं, जहाँ हमें रोज़ ये परेशानी होती है कि हम क्या बनाएं। तो चलिए दाल पालक बनाना शुरू करते हैं। पालक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक टमाटर बड़ा सा कट करके ले लिया है और मीडियम साइज़ का प्याज मैंने कट करके ले लिया है और अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च कट करके ले ली है। और यहाँ पर मैंने चने की दाल जो 8 से 10 घंटे पहले भिगोई हुई थी वो भी धोकर ले ली है। और यहाँ पर एक गड्डी मैंने पालक कट करके ले लिया है, उसे भी मैंने अच्छे से धो के कट कर लिया है। मैंने यहाँ पर एक स्टील का कुकर चढ़ा दिया है गैस पे और फ्लेम को हाई कर दिया है। एक चम्मच मैं ऑयल डाल रही हूँ, आप ऑयल कम भी डाल सकते हैं, कम ऑयल में भी यह सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है। अब मैं यहाँ पर जीरे का छौंक दे रही हूँ और जो प्याज हमने कट करके ले लिया था वो ऐड कर रही हूँ। अब हम इसे हल्का सा पिंक होने तक भुनेंगे। हमारा प्याज हल्का सा पिंक हो चुका है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। इसे भी हमें 5 से 10 सेकंड तक भूनना है। हल्के हाथ से चलाते हुए भूनना है। अब मैं इसमें भिगोई हुई चने की दाल, जिसे वॉश करके ले लिया है, वो ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक बड़ा टमाटर जो कट करके ले लिया था अब वो ऐड कर रही हूँ। और पालक एक गड्डी जो मैंने ले ली थी वो ऐड कर रही हूँ। अगर आपको क्वांटिटी कम बनानी है तो इन सारी सामग्री का आधा आधा क्वांटिटी करके भी आप बना सकते हैं, अपने हिसाब से कम या ज़्यादा क्वांटिटी में आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अब पालक ऐड करने के बाद इसे हम चलाते हुए अच्छे से थोड़ा भुनेंगे, कम से कम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे ताकि ये सब अच्छे से मिक्स हो जाए। जितना मैंने सामग्री आपको बताया है, यह 4 लोगों के लिए बहुत ही इनफ हो जाता है। अभी हमारी पालक और दाल अच्छे से भुन गई है। अब हम सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे। स्वाद अनुसार मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है और स्वाद अनुसार लाल मिर्च डाल देंगे और स्वाद अनुसार हमें हल्दी पाउडर डालना है। इसमें हम गरम मसाला नहीं ऐड कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप गरम मसाला पहले ही ऐड कर देते हो तो सब्ज़ी काली पड़ जाती है। तो किसी भी सब्ज़ी को बनाने के लिए अगर आपको गरम मसाला डालना है तो आप एंड में डालिए। मैंने यहाँ पर 2 ग्लास पानी डाल दिया है। दाल भिगोई हुई है इसीलिए हमारी दाल अच्छे से पक जाएगी। तो कभी भी आपको अगर दाल पालक बनाना है तो 6 से 8 घंटे पहले आपको चने की दाल भिगो के रखनी पड़ेगी। अब मैं कुकर को बंद कर रही हूँ और इसे 5 से 6 सीटी लगा लेंगे। एल्यूमिनियम के कुकर में हमें कम समय लगता है, लेकिन स्टील के कुकर में हमें 2 से 3 सीटी एक्स्ट्रा लगानी पड़ती हैं, क्योंकि स्टील में थोड़ा समय लगता है किसी भी चीज़ को पकने के लिए। फ्रेंड्स, हमारी दाल पालक अब तैयार हो गई है। ये देखिए, हमारी दाल भी अच्छे से अब गल गई है। अब हम एक मैशर की सहायता से दाल पालक को मैश कर लेंगे। आप चाहें तो हैंडी मिक्सी से भी इसे मैश कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से मैश करना है, जब तक कि हमारी दाल और पालक इक्वली मिक्स ना हो जाए। इसे आप गैस से उतार कर नीचे ही मिक्स करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
हमारी दाल पालक बनकर तैयार है। यह बहुत ही हेल्दी सब्जी है फ्रेंड्स, इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। अब हम इस सब्जी में गरम मसाला ऐड करेंगे। आप चाहें तो किचन किंग मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन वो आपको नमक और मिर्ची ऐड करते वक्त ही साथ में डालना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर गरम मसाला ऐड कर दिया है। मैंने चावल के साथ बनाया है इसलिए इसे थोड़ा पतला बनाया है, लेकिन अगर आप रोटी के साथ बना रहे हैं तो इसे आप थोड़ा थिक कर सकते हैं। खाने में बहुत ही लजीज और टेस्टी सब्जी है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।